नमस्कार, मैं प्रज्ञा वाघमारे, आप सभी देख रहे हैं वसई लाइव न्यूज। वसई विरार में जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से लेके अब तक वसई विरार में सिर्फ वैक्सीनेशन की किल्लत ही देखने को मिली है। तो वही आज वसई विरार में सबसे अधिक वैक्सीनेशन के डोजेस आए हैं। जी हाँ, टोटल 32,000 वैक्सीन आज वसई विरार में आई है, जिस वैक्सीन को डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में, यानी महिलाओं के लिए कुछ रिजर्व किए गए हैं, रिक्शा चालकों के लिए कुछ डोजेस रिजर्व किए गए हैं, तो वही ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कुछ डोजेस रिजर्व किए गए हैं। इस वक्त हम उपस्थित हैं नाला सोपारा पूर्व स्थित मोरेगांव वैक्सीनेशन सेंटर पर। आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन के इतने ज़्यादा डोजेस आने के बावजूद भी लोगों की जो दिक्कत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम बात करें तो लोग यहाँ पर कल रात यानी 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से लाइन में खड़े हैं, लेकिन अभी तक उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाई है। यानी वैक्सीन हो या फिर ना हो, लोगों की दिक्कत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर ऐसे एजेड लोग भी हैं जो रात रात से लाइन में खड़े हैं, लेकिन अभी तक उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाई है। अगर हम बात करें ट्रेन में, तो ट्रेन में जाने के लिए सिर्फ जिन्होंने दो डोजेस लिए हैं उन्हें ही जाने की अनुमति दी गई है, जिस वजह से यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इसीलिए हमारी आपसे विनती है कि आपके जो नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर है, आप जल्द से जल्द वहाँ पर जाइए और वैक्सीनेशन ले लीजिए। वसई विरार महानगर पालिका में पहली बार 32,000 डोसेस आए हैं। ये हमारे प्रशासन के और सभी के प्रयास से सफल हुआ है। आज हम लसीकरण मुहिम सब तरफ अलग अलग ग्रुप्स, महिला स्पेशल महिला के लिए वैक्सीनेशन सेशन किए गए हैं। वैसे रिक्शा चालक, ड्राइवर्स, तृतीय पंथी और अलग अलग दुर्गम स्लम एरियाज, ऐसे सभी लोगों का हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से नागरिकों को इतना ही आह्वान है कि ये लसीकरण है मुफ्त है और ये लस सभी के लिए है। तो सभी नागरिकों ने कृपया लसीकरण केंद्र पे आते समय अपना आधार कार्ड और आते समय अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आना है। लसीकरण केंद्र पे भीड़ नहीं करना है, ये लस सबके लिए है। आज नकल सबको मिलने वाली है, तो कृपया लसीकरण केंद्र पे भीड़ ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और शासन ने जो भी निर्देश दिए हैं उसका पालन करें और तीसरी वेव ना आए, इसलिए हम सब ने मिल के प्रयास किया तो निश्चित हम कोरोना पे मात कर सकते हैं। धन्यवाद।